ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ब्रिक्स। ब्रिक्स तो ये ब्रिक्स का जो समिट है विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ब्रिक्स की बैठक में एक अद्भुत कूटनीति का परिचय दिया भारत ने अपनी कूटनीति ऐसे रखा कि न कोई उसका विरोध कर सकता है न निंदा कर सकता है लेकिन भारत अपने स्टैंड पर क्लियर है भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है लेकिन इस तरीके से उसको रखा गया कि कोई उस पर टूटा नहीं कर सकता तो उनका भाषण सुनिए उसका विश्लेषण सुनिए एक एक लाइन के अंदर का मतलब क्या है <coughs> यह एनालिसिस कोई नहीं दिखाएगा किसी भी चैनल में नहीं दिखाएगा उनके एक एक भाषण का एक एक लाइन के अंदर का एक खास मीनिंग है तो वही दिखाते हैं आपको आपको भाषण भी सुनाएंगे और उसके जो नीचे अंदर का मर्म है वो भी बताएंगे <coughs> तो पहले स्नि उन्होंने क्या कहा थैंक यू प्रेसिडेंट फोजा फॉर कन्वीनिंग दिस एक्सट्रॉडनरी मीटिंग आई स्पीक फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी Who could not join us today? We are gathered to discuss the deeply concerning situation in the Middle East with a particular focus on Gaza. South Africa has rightly taken the initiative to convene the BRICS and also to include those who would be part of the group in due course. I convey Prime Minister Modi's greetings to all the leaders virtually present. तो उन्होंने कहा कि पहले तो साउथ अफ्रीका की तारीफ़ की यह एक डिप्लोमेटिक था साउथ अफ्रीका की तारीफ़ करना लेकिन उन्होंने और एक बात कही कि आपने उन देशों को भी इंक्लूड किया जो भविष्य में हमारे मेंबर्स बनने वाले हैं लेकिन एक ख़ास बात कह दी कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मोदी की नीति है यह मोदी जी की नीति है मोदी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हालांकि ऑफिशियली क्या होता है यह भारत का नीति है लेकिन यह कह रहे हैं यह मोदी जी की नीति है मोदी जी के ऑन बिहाफ न... 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 हम बोल रहे हैं यार मोदी जी आ नहीं सके तो मोदी जी की ही बात हम बता रहे हैं तो आप सुनिए क्योंकि भारत की बात और मोदी जी का नाम लेते हैं तो उसका एक अलग लेवल बन जाता है आप आगे क्या कहते हैं It is also imperative that all hostages are released. We believe that there is a universal obligation to observe international humanitarian law. The Excellencies, we are all aware that the immediate crisis was triggered by the terrorist attack of 7th October. Where terrorism itself is concerned, none of us

और इस तरह बंधक को बनाकर हॉस्टेज बनाकर इस तरह ट्रेड नहीं कर सकते और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता यानी आपने जितने भी हॉस्टेज हैं हमास को विदाउट एनी कंडीशन बिना शर्त के उन्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमास टेररिस्ट ग्रुप है और ऐसे बंधक बनाना ये कोई अपराधी का काम है कोई नॉर्मल युद्ध में यह नहीं होता फिर सुनिए उन्होंने क्या कहा कॉम्प्रोमाइज विद इट हॉस्टेज टेकिंग इज इक्वली अनएक्सेप्टेबल एंड कैन नॉट बी कंडोक्ट तो हॉस्टेज को कभी भी हॉस्टेज सिविलियन को हॉस्टेज बनाना ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है और इसे क्षमा भी नहीं किया जा सकता आप युद्ध लड़िए, लेकिन आप सिविलियन को बंधक बनाएंगे ह्यूमन शील्ड बनाएंगे यह कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है यह टेररिज्म का काम है यह कोई युद्ध का काम नहीं है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिकॉग एंड डिप्लोमेसी उन्होंने कहा कि आपका जो भी मसला है आप डायलॉग से डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करके हल करिए युद्ध कोई या टेररिस्ट अटैक कोई सोल्यूशन नहीं है इसका समाधान नहीं है लेकिन ये भी कहा कि हमास का टेररिस्ट अटैक है इसको भी हम कभी भी सपोर्ट समर्थन नहीं कर सकते लेकिन इतना भी कहा कि युद्ध कोई समस्या नहीं है आप बैठकर शांति से हल कीजिए बातचीत से हल कीजिए डिप्लोमेसी से हल कीजिए युद्ध कोई समस्या नहीं है। टेररिस्ट अटैक को हम किसी तरह से माफ़ नहीं कर सकते क्षमा नहीं कर सकते यह टेररिस्ट अटैक है लेकिन हम पैलेस्टीनियन के टू नेशन थियोरी को समर्थन करते हैं यानी हमास को टेररिस्ट बताते हैं और पैलेस्टीनियन के स्टेट को वो समर्थन करते हैं पैलेस्टीन अपने स्टेट जो मांग कर रहा है उसका हम समर्थन करते हैं टू नेशन थ्योरी ठीक है उनका नेशन होना चाहिए लेकिन हमास का आतंकवादी संगठन जो है हम आतंकवादी हमला जो है उसका समर्थन नहीं कर सकते और यह पैलस्टीनियन के प्रेसिडेंट खुद कहा था यह हमास से हमारा कोई नाता नहीं है हम इसका समर्थन नहीं करते यह हमास तो चिल्लाता रहता है हमास से पैलस्टीन का कोई रिश्ता नहीं है पैलस्टीन ख़ुद इसका समर्थन नहीं करता तो इंडिया पैलेस्टीन का समर्थन करता है लेकिन हमास के आतंकवाद को समर्थन नहीं करता हमास और पैलेस्टीन को अलग अलग इश्यू में देखा गया है और यही सही है पैलेस्टीनियन का कॉज अलग है हमास का जो आतंकवादी है वो अलग है पैलेस्टीनियन का स्टेट उनका जो फ्रीडम उनका अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए वो अलग है और हमास जो आतंकवादी हैं जो एक महीने के बच्चे को जिंदा जला देते हैं दो महीने के बच्चे को हाथ पैर काट है। हैं, अलग का रीजन एंड अक्रॉस दर्ल्ड इन दिसलाइटेड द नीड टू क्रिएट कंडीशनिंग पीस नेगोसिएशन मोदी ने बहुत देशों से बात किया है और किस तरह मीनिंगफुल डायलॉग हो सके बातचीत हो सके यानी मोदी ने सब देशों से बात किया है मोदी का कोई दुश्मन नहीं है ना पैलेस्टीन दुश्मन है ना इसराइल दुश्मन है ना इजिप्ट दुश्मन है ना अरब दुश्मन है ना ईरान दुश्मन है कोई दुश्मन नहीं है हम सब से बात करेंगे लेकिन आप एक मीनिंगफुल तरीके से एक जगह बैठ कर समस्या का समाधान करें मोदी जी के पास कोई दुश्मन नहीं है वह सबसे बात करते हैं यही वो कह रहे हैं हम उन सबसे बात किया है उनसे कोई दुश्मन नहीं ये नहीं कि इसराइल का समर्थन करते हैं इसलिए आ, दूसरे देश से वो झगड़ा नहीं हम सबसे बात करते हैं लेकिन एक रास्ता निकालना चाहिए कि हम दोनों बै, सब बैठकर इसका हल निकाल सकें India has supported the socio-economic welfare of the Palestinian people and strengthening of the national institutions our development partnership is geared towards these objectives we continue to provide assistance both bilaterally and through the un our economic assistance to palestine development projects there and financial support to the palestinian authority reflect that position

पैलेस्टीन हमारा दोस्त है हम हर तरह से मदद करेंगे लेकिन हमास आतंकवाद है उसका समर्थन नहीं कर सकते पैलेस्टीन के विकास के लिए ठीक है पेलेस्टीन अपना आज़ादी चाहता है वो भी ठीक है लेकिन बैठ कर बात कीजिए हम आपको सपोर्ट करेंगे कि आपका अपना एक स्टेट होना चाहिए लेकिन ये हमास जो आतंकवादी हमला है जो एक महीने के बच्चे को ओवन में डालकर जला देते हैं, इसका हम समर्थन नहीं कर सकते इसका तो सिर्फ़ वो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले समर्थन करते हैं